सीआईडी की ब्यूटी क्वीन इंस्पेक्टर पूर्वी के बारे में कौन नहीं जानता। उनका असली नाम है अंसा सैयद और वो सीआईडी में सबसे खूबसूरत दिखने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। दोस्तों, जब मामले आते हैं कोई भी एक्शन सीन करने के या फिर किसी मिशन को अंजाम देने में या फिर किसी मुजरिम या फिर किसी गुनाहगार को पकड़ने के लिए, तो इंस्पेक्टर पूर्वी अपनी बहादुरी का जौहर दिखाती है और उस मुजरिम को आखिर में पकड़ ही लेती है। इसी दौरान दोस्तों सीआईडी में इंस्पेक्टर पूर्वी पर आने वाला है बहुत ही बड़ी मुसीबत। वो फंसने वाली है एक सीरियल किलर यानी कि एक पागल साइको किलर के जाल में। तो क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है नीचे उसे दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, सीआईडी के जो इंस्पेक्टर पूर्वी है वो सीआईडी के सीजन 2 में भी आपको दिखाई देंगी। सीजन 2 में उनकी धमाकेदार एक्शन सीन्स आपको पागल करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी चलाने वाली है सुपर बाइक, सुपर कार्स और उन पर वो गुंडे और गुनहगारों का पीछा करने वाली है। तो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, सीआईडी के सीजन 2 में एक ऐसा एपिसोड भी आने वाला है जहां पर पूर्वी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वो जाती है एक साइको किलर को पकड़ने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो जो साइको किलर होता है वो इंस्पेक्टर पूर्वी को अकेला देखकर उन पर पीछे से वार करता है और उनको बेहोश करके अपने चंगुल में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। जब सीआईडी टीम के पास ये खबर पहुंचती है कि पूर्वी किडनैप हो चुकी है, अगवा हो चुकी है, तो सीआईडी की टीम इंस्पेक्टर पूर्वी को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचती है और सीआईडी टीम और वो साइको किलर के बीच होती है बहुत ही घमासान भिड़ंत। तो इस भिड़ंत में कौन जीतता है, सीआईडी की टीम जीतती है या फिर साइको किलर, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये स्पेशल एपिसोड जिसका नाम रहेगा इंस्पेक्टर पूर्वी हुई अगवा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि आप लोग इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में।